आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जयपुर हाउस स्थित झूलेलाल भवन में रॉयल सिंधी लेडीज क्लब की ओर से नववर्ष चेटी चंद के मौके पर ज्योति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साईं झूलेलाल जी के पूजन के लिए सिंधी परंपरा के अनुरूप उत्तर भारत में पहली बार ऐतिहासिक 65 बहराना साहिब ज्योति संगम के दर्शन भक्तों को कराए गए। जयपुर हाउस स्थित झूलेलाल भवन में रॉयल सिंधी लेडीज क्लब की ओर से नववर्ष चेटी चंद के मौके पर ज्योति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साईं झूलेलाल जी के पूजन के लिए सिंधी परंपरा के अनुरूप उत्तर भारत में पहली बार ऐतिहासिक 65 बहराना साहिब ज्योति संगम के दर्शन भक्तों को कराए गए। रॉयल सिंधी लेडीज क्लब की संरक्षक ललिता करमचंदानी ने बताया कि वरुण अवतार की जयंती की पूर्व बेला में शहर में यह अनूठा कार्यक्रम पहली बार आयोजित हो रहा है। हमने जो एक ज्योति बहराना साहिब हम लोग झूलेलाल साहिब पे रखते हैं, वो आज हमने 71 बहराना साहिब एक साथ रखाए हैं। तो सभी महिलाओं ने मिलकर ये एक भव्य कार्यक्रम किया है आज झूलेलाल जयंती के अवसर पर, और यहाँ पे पूरे शहर से सभी सिंधी महिलाएं एकत्र हुई हैं और सबने यहाँ पे हम अभी झूलेलाल जी के स्वरूप के साथ होली भी खेलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सत्संग, भंडारे, भजन सब कुछ होगा और हर बार कुछ हम नया भव्य करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, इस बार हमने सिर्फ टीम मेंबर्स नहीं पूरे आगरा से सिंधी समाज की लेडीज़ को बुलाया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने सबको इनवाइट किया है बताने के लिए कि हाँ, हम सिंधी लैंग्वेज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। कार्यक्रम में साईं गुरमुखदास उदासीन और साईं दीपक उदासीन की मधुर वाणी में प्रस्तुत सिंधी भजनों पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। कार्यक्रम में ज्योति खुशलानी द्वारा तहरी और कोहर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद सभी सदस्यों ने मिलकर बरहाना साहिब की ज्योति का विसर्जन मंदिर में करत्रीम यमुना नदी में किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।